हे यो, व्हाट्स अप। आपने शायद नोटिस करा होगा कि ये जो चीज़ है आपको नई चीज़ दिख रही होगी, मेरे वीडियोस में पहली बार दिख रही होगी। तो आपके मन में चल रहा होगा मे भी ये सवाल कि ये क्यों हो रहा है। नहीं भी चल रहा होगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि मेरा मन है। सो बेसिकली मेरे अंदर ऑडियो को अच्छा करना और अच्छा करना, इसकी बड़ी चुल है मेरे अंदर, ठीक है। तो बाय द वे ये माइक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था, बस इसको मैंने इसके अंदर कैमोफ्लैज कर दिया है। दिस वन इज़ ऑब्सोलीट। ये मेरी सिस्टर का माइक है, पर ये मैं ऐसे हाथ में पकड़ के बैठा, थोड़ा अजीब लगता, तो मैंने इसको इसके पीछे छुपा दिया। अनो आपको नहीं जाना था, तभी भी मैं बताऊंगा। और यार मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, और जो दोपहर वाली वो नशे वाली नींद होती है ना, वो लेके उठा हूँ मैं जस्ट अभी। अभी तो भाई थोड़े नशे में ही हूँ। आई नो प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब आप यूट्यूब में आ रहे हैं भाई अमृत, ये क्या मतलब कुछ हुलिया होता है। नींद में आ गए, थोड़ा बाल बाल सही कर लेते हैं क्या ये। बर यार ठीक है यार, अब ठीक है, इतना चलता है, वीडियो ही है। एनर्जी लाओ ना, पर आप ये यूट्यूब में ऐसे थोड़ा एनर्जी लाओ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो एक मेरा नेचर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो शायद मेरी एक कमी है। और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद कमी होना और एक अपने पर्सनैलिटी का कोई फीचर होना वो दो अलग अलग बातें हैं, उसको आप कमी भी कहना सही नहीं होगा, राइट। तो ये फीचर या ये कमी ये है कि, और मैं ये बचपन से इस चीज़ से डील कर रहा हूँ आई थिंक, बट अब क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो इसी से रिलेशन और ज़्यादा होती है, और ज़्यादा मुझे ये चीज़ अनॉय करती है, कभी कभी डिस्टर्ब करती है, कभी कभी तकलीफ देती है कभी कभार। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदत की जहाँ मैं प्रेजेंट में नहीं जी पाता हूँ ढंग से। उदाहरण के तौर पर आई जस्ट गिव यू वन एनालॉजी, और ये सिर्फ एक एनालॉजी नहीं है जो मैं पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एक्चुअल एग्जांपल है जो मेरे साथ होता है। सो अगर मैं बाल कटवाने गया, ठीक है, और मेरे बाल बहुत अच्छे कट गए, तो मैं इसलिए नहीं खुश होता हूँ कि यार मेरे बाल अभी बहुत अच्छे कट गए। आई एम मोर वरीड फॉर द फैक्ट कि यार क्या नेक्स्ट टाइम भी मेरे बाल ऐसे कट पाएंगे। यू गेट माई पॉइंट, एंड आई फील लाइक मैं उस फियर में कि नेक्स्ट टाइम मेरे बाल इतने अच्छे कट पाएंगे या नहीं, मैं अब भी सेलिब्रेट करना भूल जाता हूँ और मुझसे वो चीज़ मिस हो जाती है। सो आई एक्चुअली लूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिराइविंग हैप्पीनेस इन लाइफ। और जब हैप्पीनेस मिलना होता भी है ना, वहाँ भी मैं कहीं ना कहीं बेकार में, फिजूल में दुखी हो जाता हूँ, या जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता तो मतलब अचानक से फट जाती है मेरी कि भाई क्या ये ऐसा ही आगे भी होगा या बस अभी हो रहा है, क्या आगे और बुरा ना हो जाए। डू यू गेट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड एज आई मेंशनड, ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करने लगी है, तकलीफ देने लगी, और इन सब का सोल्यूशन शायद आप सबके पास ना हो, पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी से मदद कर पाओ। और अगर आप भी इस चीज़ से जूझ रहे हो तो हम साथ में इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएं। आई फील लाइक थोड़ा चिंतित होना तो लाजमी है, क्योंकि हम वरिड रहते हैं, हमारा चिंतित होना भी एक इंस्टिंक्ट है। बट देन आई फील लाइक यार हमेशा तुम्हारी फटी रहे ये भी तो अच्छी बात नहीं। लाइक आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन समथिंग गुड हैपेंस आई गो इनटू दैट शेल कि यार अब आगे अच्छा नहीं होगा। वो जो बाल कटने वाला एग्जाम्पल है वो सच एग्जाम्पल है, बट वो एक बहुत माइक्रो एग्जाम्पल है। बट ऐसा बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ होता है जब मैं अपने आप को प्रेजेंट में ही रख पाता और खुश नहीं रह पाता। एंड आई फील लाइक इससे मुझे उबरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ सेंटेंसेस में होती है और सेंटेंसेस दुख होते हैं, और कहीं कहीं जो कॉमा, एक्सक्लेमेशन, ये सब खुशियाँ होती है, तो खुशियाँ कभी कभी आती हैं। तो जब मैं कभी कभी आने वाली खुशियों में भी खुश नहीं हो पाऊँगा तो मैं दुखी के मौके पर भी दुखी रहूँगा, तो एक अच्छी बात नहीं है शायद मेरे हिसाब से। और एक कॉमन फंडामेंटल इंस्टिंक्ट है कि फटी ही रहती है, यू गेट माई पॉइंट। उसके हालांकि कुछ फ़ायदे भी हैं कि उस फटी रहने की वजह से मैं लाइफ में कई बार चीज़ें ज़्यादा मेहनत से कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ, पर मैं खुशियों को ज़्यादा देर तक इन्जॉय नहीं कर पाता। तुरंत हो जाता है कि चलो अब नेक्स्ट करना है नेक्स्ट, जो कि एक अच्छी बात है पर इन वे बहुत बुरी बात भी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, मैं चीज़ें इन्जॉय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जब ये रियलमी वाली चीज़ मेरे साथ हुई, वेयर माई वीडियो गॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड रियलमी डिसाइडेड टू डिक्लेयर मी द विनर एंड दे डिसाइडेड मी टू गिव अ रियल फोन फॉर अनबॉक्सिंग, विच इज़ अ ह्यूज डील,
मैं खुश हूँ, बट आई एम मोर वरीड कि यार अब तो अच्छी वीडियो बनानी है अनबॉक्सिंग वाली. ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी वरीड अबाउट दैट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसर्न्ड, बट देन इट्स अ ह्यूज डील मैन इफ यू थिंक अबाउट इट. फॉर समवन लाइक अस टू गेट अ फोन टू अनबॉक्स फ्रॉम अ ब्रांड, एंड आई फील लाइक यार ये बहुत ज़रूरी है कि मैं सीखूँ खुश रहना. और आप सबके लिए भी शायद कि आई एम श्योर हम में से बहुत लोग होंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो बहुत जल्दी चीज़ों से बॉक डाउन हो जाते होंगे, मे बी खुशियों को डाइजेस्ट करने में उन्हें बदहजमी हो जाती होगी. तो यार मेरे पास का सोल्यूशन तो अभी है नहीं, जब आएगा ज़रूर बताऊँगा, बट अभी मैं इतना कहूँगा कि जो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी कहूँगा कि हाँ लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एंडलेस है, पर उसके बीच में हमने रुक के कभी कभी, जैसे हम जब ट्रैवल करने जाते हैं तो हम कभी कभी रुकते हैं ना ढाबे में, चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो. ये तो नहीं ना कि मतलब सोए नहीं खाए नहीं बस चलते जाते हैं. तो अगर हम रुक के कभी कभी ढाबे में ना रुकें या रुक के थोड़ा पानी ना पिए, तो फिर लाइफ का पॉइंट थोड़ी ना है यार. ये लाइफ का पॉइंट तो अल्टीमेटली खुशी है, वो है शायद ज़िंदगी का मतलब. मेरे हिसाब से ज़िंदगी का मतलब कोई अंधा रेस नहीं है. तो हाँ ये एक चीज़ है जो मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप आप भी इस बात से कनेक्ट कर पाते होंगे. अगर आपको इस बात का सोल्यूशन पता है कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. और अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो आप सिमिलरली मेरी तरह इस चीज़ से डील कर रहे हो, तो वो भी नीचे लिख के बताना और हम साथ में इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. विद दिस आई ट्राई टू टेक अ लीव. आप सब बहुत ध्यान रखें अपना, और बस मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने तजुर्बे से यही देख रहा हूँ कि खुशियों के मौके जो होते हैं वो कम होते हैं ज़िंदगी में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन मौक़ों पर खुशियाँ ढूँढें, सिर्फ कल का सोच के खुशियों से अपना नाता ना तोड़ लें. ये थोड़ा सा पोएटिक हो गया, बट हाँ यही कहना था मुझे. आई होप आई गेट द सोल्यूशन, आई होप यू गेट द सोल्यूशन इज़ वेल. ये जो चैनल है मेरा, ये हर बार सोल्यूशन देने का चैनल नहीं है. ये चैनल है उन मुद्दों में जिनके बारे में मेरी कुछ सोल्यूशन हो सकती हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ होते हैं जो आप मुझसे शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनका आंसर हम दोनों के पास नहीं हो सकता, और हम फिर फिगर आउट करते हैं. दैट्स वॉट माई चैनल इज़ अबाउट, राइट? तो या विद दैट स्पिरिट हम मिलते हैं फिर. आप अपना बहुत ध्यान रखें.